हेलो फ्रेंड्स, आई एम इशिका। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आवर टुडे टॉपिक इज़ जर्नल पार्ट टू। पार्ट वन में हमने जर्नल से रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ा था। पार्ट टू में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डीके गोयल का है, ये बुक है डीके गोयल, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वन देखते हैं। अगर आपके पास डीके गोयल बुक नहीं है तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ, साथ में इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तब भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ये जो है जर्नल हमें बनाना है, इसका ये कोई भी कंपनी फॉर्म कुछ भी है, इसका हमें जर्नल बनाना है। मतलब कह सकते हैं कि ये हमारा बिजनेस है, इसका हमें जर्नल एंट्री पास करना है। तो उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इस ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। डेट है 2018 मार्च 1st। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। मार्च 2 परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। मार्च 4 परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000। मार्च 5 बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। मार्च 10 पेड कैश टू कमलेश 15,000। मार्च 16 परचेस्ड गुड्स फ्रॉम शोहन 6,000। मार्च 18 परचेज गुड्स फ्रॉम शोहन फॉर कैश 8,000। मार्च 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1,000। तो ये क्वेश्चन था, अब इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो या तो उसे लिख लो या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था कि हमें जर्नल बनाना है मनोहर लाल एंड सन्स की बुक्स में। तो सबसे पहले हम जर्नल लिख देंगे, जर्नल इंट्रीज भी लिख सकते हैं। फिर जिसके बुक में बना रहे उसका नाम लिख देंगे, वो कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई भी फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो सकता है, और वो सारा एक बिज़नेस कहलाता है। उसके हिसाब से हमें सारा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास करना है, ठीक है। तो लिख देंगे जर्नल, फिर लिखेंगे जिसके बुक में बना रहे उसका नाम। तो इन द बुक्स ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स, यही नाम दिया गया है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है। फिर जर्नल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक प्रोफॉर्मा बनाना पड़ता है। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, फिर उसके बाद प्रोफॉर्मा बनाना पड़ता है। फर्स्ट कॉलम में जाएगा डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ डैट इज़ लेज़र फोलियो, फिर अमाउंट डेबिट का, फिर अमाउंट क्रेडिट का। तो ये प्रोफॉर्मा है, लाइन खींच के बना लेंगे। फिर जितना भी ट्रांजेक्शन दिया गया है सारा के लिए एक जर्नल इंट्री पास करना है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं जर्नल इंट्री कैसे पास हुआ है। तो सबसे पहले डेट में लिखेंगे जो डेट दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो डेट दिया हुआ है 2018 मार्च 1st। तो सबसे पहले ये लिख देंगे, फिर इसका ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। दिया हुआ है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। अब समझते हैं, मतलब ये जो बिजनेस है, ठीक, मनोहर लाल एंड सन्स ये जो बिजनेस है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 कैश पे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि दो रूल्स है आप जर्नल के लिए एंट्री पास कर सकते हो। पहला मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था गोल्डन रूल, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था मॉडर्न या अमेरिकन रूल इसके सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग दोनों रूल से समझेंगे। सारा क्वेश्चन मैं आपको दोनों रूल से बताऊंगी कि दोनों रूल से कैसे कैसे करके हो रहा है। तो पहले गोल्डन रूल से समझते हैं। तो ये एक बिज़नेस है, इसने स्टार्ट किया 60,000 कैश से। तो बिज़नेस में कैश आ रहा है, जैसे कि सबसे पहले आप ध्यान से समझना, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन पढ़ो। मैंने आपको बताया था कि वो कम से कम दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये दो अकाउंट जो अफेक्ट कर रहा है वो है एक कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस है, ठीक, ये एक बिजनेस है, इसमें पैसा लगाया गया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है।
तो पहला जो अकाउंट जिसमें अफेक्ट हो रहा है वो है कैश अकाउंट, और दूसरा जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में जो भी पैसा लगाया गया होता है वो एक पूंजी की तरह काम करता है, और पूंजी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो समझते हैं कैसे हुआ ये एंट्री पास। तो बिजनेस में कैश लगाया गया, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ऐसे समझो। नहीं समझ आ रहा है तो कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि कैश अकाउंट जो है एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और गोल्डन रूल जो है उसमें रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो बिजनेस में कम्स इन हो उसको डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से गोज आउट हो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इस बिजनेस में कैश लगाया गया है, मतलब इस बिजनेस में कैश आ रहा है कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है 60,000 से। और कैपिटल अकाउंट जो है एक इनकम की तरह काम कर रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया गया है तो वो बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस के लिए एक इनकम की तरह काम हो रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया गया है। या ऐसे भी समझ लो, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो खैर है नहीं, रियल अकाउंट भी नहीं है। रियल अकाउंट में जाता है हमारा टैंजिबल और इनटैंजिबल, तो कैपिटल अकाउंट वो भी नहीं है। नॉमिनल अकाउंट बचा, उसमें एक एक्सपेंसेस होता है और एक इनकम होता है। अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हमारे लिए एक्सपेंसेस तो हो नहीं रहा है, एक इनकम की तरह काम कर रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 60,000 से। फिर नरेशन हम लोग लिख देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो नरेशन में हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये जो मैंने आपको समझाया ये गोल्डन रूल से मैंने आपको समझाया, अब इसी ट्रांजेक्शन को हम मॉडर्न रूल से समझते हैं। तो कैश बिजनेस में लगाया गया है, तो बिजनेस में कैश लगाया जा रहा है, तो बिजनेस के लिए कैश एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सब होता क्या है। अब एसेट्स क्या होता है, इन फ्यूचर जिससे पैसा मिले उसको एसेट्स बोला जाता है, मतलब जो फ्यूचर के लिए काम आए उसको एसेट्स बोला जाता है। अब बिजनेस है उसमें कैश लगाएंगे तो वो हमारे लिए एक एसेट्स की तरह काम करेगा, क्योंकि एसेट्स पैसा ही है, तो ये फ्यूचर के लिए काम देगा। इसलिए ये मॉडर्न रूल में आप क्या ना करना, डायरेक्टली आप सबसे पहले दो अकाउंट कौन सा अफेक्ट कर रहा है वो छांट लो, फिर उसमें से छांटना कि ये एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, इन पांचों में से क्या है, फिर उसके हिसाब से आराम से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जब इंक्रीज़ करता है तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए कैश अकाउंट को यहाँ डेबिट किया गया है 60,000 से। और कैपिटल एक उसमें था भी कि कैपिटल जब इंक्रीज़ करे तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और कैपिटल जब डिक्रीज़ करे तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल बिजनेस में लगाया गया, मतलब बिजनेस के हिसाब से कैपिटल इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए कैपिटल को यहाँ क्रेडिट हुआ है, इसलिए लिखा गया टू कैपिटल अकाउंट 60,000। पहले वाला वीडियो ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो आगे और भी ट्रांजेक्शन आपको बहुत ईजिली समझ आएगा अच्छे से। बस कोई भी, मैंने दो रूल बताया, आप दोनों में से कोई भी रूल से सारे एंट्री पास कर सकते हो। नहीं समझ आए तो दोनों रूल में से कोई भी रूल लगाओ, दोनों रूल लगा के देखो, ज़रूर पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, ये है मार्च 2, परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 10,000। समझना, ये बिजनेस है, ठीक है, मनोहर लाल एंड सन्स, ये बिजनेस है, इसने फर्नीचर खरीदा कैश में। अब फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर एक रियल अकाउंट की तरह काम कर रहा है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जब बिजनेस में कम्स इन हो फर्नीचर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस फर्नीचर खरीद रहा है, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है
और फर्नीचर आ रहा है मतलब कम्स इन, इसलिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 10,000 से, क्योंकि 10,000 का फर्नीचर परचेज किया जा रहा है। अब यही फर्नीचर कैश में परचेज किया जा रहा है तो बिज़नेस से कैश जा रहा है, क्योंकि बिज़नेस क्या कर रहा है ना, फर्नीचर ले रहा है और कैश दे रहा है, कैश पे कर रहा है, तो बिज़नेस से कैश गोज़ आउट हो रहा है। रियल अकाउंट का रूल कहता है जब गोज़ आउट हो तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000 से। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर, जो भी लिखा हुआ हो ट्रांजेक्शन में वही लिखना, बस बीइंग लगा देना। तो बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है, सबसे पहले छाटो। तो फर्नीचर एसेट्स तो हैं, मतलब लाइबिलिटीज़ तो है नहीं। लाइबिलिटीज़ वो होता है जिसे इन फ्यूचर पे करना होता है, इन फ्यूचर पैसा पे करना हो तो वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। कैपिटल तो खैर है नहीं, कैपिटल है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल पूंजी जो लगाया गया होता है, तो कैपिटल तो बस यही है। फिर एक्सपेंसेस है नहीं, इनकम है नहीं, तो फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बिजनेस है, वो फर्नीचर ख़रीद रहा है। तो इन फ्यूचर अगर वो बिज़नेस इस फर्नीचर को बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा। तो फर्नीचर एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है, और एसेट्स कहता है कि इंक्रीज़ हो तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 10,000 से। अब रहा कैश अकाउंट, तो फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है कैश में, तो कैश भी हमारे लिए एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा, मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में भी बताया था। तो कैश यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदने पे कैश पे करना पड़ रहा है, तो बिज़नेस का कैश डिक्रीज़ कर रहा है। एसेट्स जब डिक्रीज़ करे तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000 से। हमारा एंट्री पास हुआ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। आपको क्या ना करना है, आप सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ो, उसमें से बस इतना देखो ना कि कम से कम ये कौन सा दो अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा था, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा था, यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट हुआ, कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, तो यही बस छाटना है कि कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। फिर गोल्डन रूल के हिसाब से समझना कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, और मॉडर्न रूल के हिसाब से समझना है कि उन पाँचों में से क्या है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। इतना छाट लोगे आपको आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एंट्री पास करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मार्च 4, परचेस्ड गुड फॉर कैश 25,000, मींस गुड्स खरीदा जा रहा है कैश में। कौन खरीद रहा है? बिजनेस खरीद रहा है, गुड्स खरीद रहा है कैश में। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक तो बिज़नेस में गुड्स आ रहा है, तो गुड्स जो है हमारा आ रहा है बिज़नेस में, तो एक तो वो अकाउंट अफेक्ट हुआ, और कैश में ख़रीदा जा रहा है, कैश में ख़रीदा जा रहा है, मतलब एक जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हुआ वो है कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स जो है बिज़नेस परचेज कर रहा है कैश में, तो बिज़नेस गुड्स परचेज कर रहा है, तो बिज़नेस में गुड्स आ रहा है, परचेज करने पे गुड्स बिज़नेस में आ रहा है, तो गुड्स बिज़नेस में आएगा, कम्स इन हो रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल कहता है जो कम्स इन हो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए यहाँ पे गुड्स अकाउंट, यहाँ पे परचेजेज अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स अकाउंट आप मान के चलो, तो यहाँ पे इतना तो समझ आ गया, इसलिए गुड्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 25,000 से। लेकिन अगर कोई भी एसेट्स हो, फर्नीचर हो या मशीनरी हो या कुछ भी हो, तो उसी नाम से लिखा जाता है, लेकिन गुड्स अगर हो तो उसको गुड्स ना लिख करके परचेजेज अकाउंट लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी एसेट्स हो तो सब लिखा जाएगा उसी नाम से, लेकिन अगर वो गुड्स हो तो वो परचेजेज अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। तो ये तो डेबिट हुआ, समझ आ गया। अब बिजनेस गुड्स परचेज करने पे बिजनेस का कैश जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जो गोज़ आउट हो, जा रहा हो, जो गोज़ आउट हो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 25,000 से। नरेशन लिखा जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश।
ये था गोल्डन रूल से, अब इसको मॉडर्न रूल से समझते हैं। मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, गुड्स एक एसेट्स की तरह काम कर रहा है और एसेट्स का रूल कहता है कि जब वो इंक्रीज हो तो डेबिट, इसलिए यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है। गुड्स भी एक एसेट्स है, फर्नीचर भी एक एसेट्स है, सब एसेट्स है और कैश भी हमारे लिए एक एसेट्स है, लेकिन कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा है 25,000 से। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 5, बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। तो एक चीज़ आपको और समझना, आप ट्रांजेक्शन को देखो, मार्च 4 वाले ट्रांजेक्शन को देखो, वहाँ दिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000 और मार्च 5 वाला जो ट्रांजेक्शन है वहाँ दिया गया है बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000। तो अगर ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन है तभी उसको समझना है कि वो कैश ट्रांजेक्शन है, और अगर ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन नहीं किया गया इट मींस समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जैसे कि यहाँ दिया गया है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया गया कैश में, इट मींस ये कैश यहाँ पे मेंशन है इसलिए इसको समझना है कि ये कैश वाला ट्रांजेक्शन है। लेकिन इसके नीचे वाला ट्रांजेक्शन मतलब मार्च 5 वाला ट्रांजेक्शन जो है वहाँ दिया गया है कि गुड्स खरीदा गया बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कैश मेंशन नहीं है, और कैश मेंशन नहीं है सिर्फ नाम मेंशन है किसी का, तो समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आपको बस इतना समझना है कि अगर ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, और अगर कैश मेंशन नहीं है मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और अगर मतलब कैश भी नहीं रहा, क्रेडिट भी नहीं रहा, किसी का नाम है तब भी समझना है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन तभी होगा जब कैश मेंशन होगा, तभी ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मार्च 5 वाला ट्रांजेक्शन। इसमें दिया हुआ है बाउट गुड्स फ्रॉम कमलेश 15,000, मतलब गुड्स खरीदा गया कमलेश से 15,000 में, तो कैश यहाँ पे मेंशन नहीं है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अब समझते हैं कि अगर बिजनेस गुड्स को खरीदेगा तो गुड्स एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि खरीदने पे कमीशन हो रहा है, और कमीशन हो रहा है तो डेबिट करेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स ना लिख करके परचेजेस अकाउंट लिखते हैं, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट किया गया है क्योंकि बिजनेस में गुड्स आ रहा है। अब यहाँ पे जो कमलेश है वो एक गिवर की तरह काम कर रहा है, मतलब इतना तो मतलब इस ट्रांजेक्शन को देख के पता चल रहा है कि दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है, एक हो गया गुड्स अकाउंट और एक हो गया कमलेश अकाउंट। कैश अकाउंट तो होगा नहीं क्योंकि कैश यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, कहने का मतलब है कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो उसके लिए जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखा जाएगा, तो जिससे खरीदा जाएगा उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ कमलेश से खरीदा जा रहा है, और कमलेश जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि पर्सनल अकाउंट जो भी नाम हो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है, तो यहाँ पे जो कमलेश है वो पर्सनल अकाउंट होगा, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है गोल्डन रूल में कि जो रिसीवर है उसको डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसको क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ पे गुड्स जो है उसको देने का काम कर रहा है कमलेश, क्योंकि बिजनेस खरीद रहा है, और किससे खरीद रहा है, कमलेश से खरीद रहा है। तो कमलेश एज अ गिवर की तरह काम कर रहा है, और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए एंट्री पास हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट 15,000 टू कमलेश अकाउंट 15,000 बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम कमलेश। अब इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स खरीदने पे गुड्स नाम का एसेट्स इंक्रीज करेगा, और जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है। और कमलेश क्रेडिट कैसे हुआ है, तो इतना तो समझ आ रहा है कमलेश कोई इनकम नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई कैपिटल भी नहीं है, और कोई एसेट्स भी नहीं है। कमलेश एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है। अब समझना है कि कमलेश लायबिलिटीज़ कैसे है। तो गुड्स बिजनेस गुड्स खरीद रहा है इस कमलेश से क्रेडिट में, मतलब उधार में। अब कोई भी सामान उधार में खरीदेगा तो इन फ्यूचर पैसा पे करना होगा बिजनेस को, तो इन फ्यूचर पैसा पे करना हो जिसको, तो वो लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट होता है। और जैसा कि लायबिलिटीज़ का रूल कहता है कि जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ करता है तो उसको डेबिट किया जाता है। मैंने पहले वाले वीडियो में ये बताया था। तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ कमलेश नाम का लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए क्रेडिट हुआ है 15,000 से। एक बार फिर से समझते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस गुड्स ख़रीद रहा है कमलेश से, तो कमलेश से गुड्स ख़रीद रहा है उधार में, इन फ्यूचर इस कमलेश को पैसा पे करना है, तो ये लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है। और मॉडर्न रूल कहता है कि जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मार्च 10। इसमें दिया हुआ है पेड कैश टू कमलेश 15,000, मतलब ये जो कमलेश है जिससे बिजनेस 15,000 का गुड्स खरीदा था, अब यही 15,000 मार्च 10 को कमलेश को पे कर दिया। अब बिजनेस कैश पे करेगा किसको, कमलेश को पे करेगा। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हुआ है, एक कमलेश अकाउंट अफेक्ट हुआ है और एक कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कैश पे किया जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट, और कमलेश को कैश पे किया जा रहा है इसलिए एक कमलेश अकाउंट, दोनों में अफेक्ट पड़ रहा है। अब कमलेश जैसा कि आपको पता है एक पर्सनल अकाउंट की तरह काम करता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस कैश पे कर रहा है कमलेश को, और कमलेश उस कैश को रिसीव कर रहा है, तो ये एक रिसीवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए कमलेश अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से, और बिजनेस जो है कैश पे कर रहा है। और कैश जो है एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, और गोज आउट जब होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 15,000 से। तो एंट्री पास हुआ है कमलेश अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000 बीइंग कैश पेड टू कमलेश। इसको मॉडर्न रूल से समझते हैं तो कैश नाम का एसेट्स यहाँ पे कैश नाम का एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कैश पे किया जा रहा है, कैश पे करने पे कैश घटेगा, कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है, जब एसेट्स डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया है। और यहाँ पे कमलेश इस ट्रांजेक्शन में, मतलब मार्च 5 वाले ट्रांजेक्शन में, कमलेश एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर रहा था, अब इस कमलेश को 15,000 का अमाउंट पे कर दिया गया, तो ये कमलेश नाम का लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो गया है, इसलिए डेबिट हुआ है। आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या ना था कि कमलेश से उधार में खरीदा जा रहा है, तो उधार में खरीदा जा रहा है तो इन फ्यूचर इस कमलेश को पे करना है, एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रहा था 15,000 से, इसलिए क्रेडिट हुआ है। लेकिन मार्च 10 में इस कमलेश को
जो 15,000 उसका उधार था वो पैसा पे कर दिया गया, तो 15,000 से लायबिलिटीज़ डिक्रीज कर दिया गया, इसलिए कमलेस डेबिट हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, मार्च 16 है, मार्च 16 में है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000, गुड्स खरीदा जा रहा है सोहन से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस ट्रांजेक्शन में भी कैश मेंशन नहीं है, मतलब ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो वहाँ पे मतलब जो जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें कैश नहीं लिखा जाएगा, और गुड्स खरीदा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है सोहन से, मतलब ये जो सोहन है इससे क्रेडिट में खरीदा जा रहा है। गुड्स खरीदने पे गुड्स बिजनेस में आ रहा है, कमसिन हो रहा है, रियल अकाउंट का रूल कहता है जब कमसिन हो तो डेबिट करते हैं, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि गुड्स ना लिख करके हम लोग परचेजेस लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है 6,000 से। और यहाँ पे जो सोहन है एक पर्सनल अकाउंट की तरह काम कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो गिवर है वो क्रेडिट होता है, और यहाँ पे बिजनेस गुड्स खरीद रहा है सोहन से, तो गुड्स जो सोहन जो है गुड्स को देने का काम कर रहा है, तो ये गुड्स को देने के लिए वो एक गिवर की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सोहन को क्रेडिट किया गया है। ठीक है, अब इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे, तो यहाँ पे गुड्स नाम का एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, गुड्स खरीदने पे गुड्स बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, गुड्स नाम का एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है, और सोहन से गुड्स खरीदा जा रहा है क्रेडिट में, तो छाटना है सोहन क्या है, तो ऑब्वियस सब बात है सोहन एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है, लायबिलिटीज़ वो होता है जिससे इन फ्यूचर पैसा पे करना होता है। अब बिजनेस गुड्स खरीद रहा है सोहन से, मतलब इस सोहन को फ्यूचर में पैसा पे करना होगा, तो ये एक लायबिलिटीज़ की तरह काम कर रहा है, और जब लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ करता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सोहन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो जर्नल एंट्री पास हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 6,000 टू सोहन 6,000, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हो कि मेरे कॉपी का स्पेस मतलब भर चुका है, स्पेस नहीं है, तो इसके बाद हम क्या ना करते हैं, लाइन खींच देंगे, एक ट्रांजेक्शन मतलब एक एंट्री पास करने के बाद एक लाइन खींचना होता है, तो यहाँ पे अब कॉपी में जब आगे स्पेस ना रहे और जनरल एंट्री हम पास कर रहे हैं तो एक हम लाइन खींच देंगे और CF लिखते हैं, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, और जितना भी यहाँ पे अमाउंट है सारे जनरल एंट्री का सबको ऐड कर देंगे जितना यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ऊपर से आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ है 60,000, फिर 10,000, तो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 और प्लस 6,000, तो हमारा आया है 1,31,000 डेबिट, 1,31,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो देखते हैं। तो जब ख़त्म होता है नीचे का स्पेस तो वहाँ हम लोग CF लिखते हैं, CF कहने का मतलब है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे जब नेक्स्ट पेज में से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोफॉर्मा बना लेंगे, फिर BF लिखेंगे, BF का मतलब ब्राउट फॉरवर्ड, जो अमाउंट होगा डेबिट, जो अमाउंट होगा क्रेडिट वो लिख देंगे, 1,31,000 डेबिट, 1,31,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट एंट्री नीचे से पास करेंगे लाइन एक खींच करके। नेक्स्ट एंट्री है हमारा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 18 का, तो वो ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 8,000, मतलब गुड्स परचेज किया गया सोहन से कैश में, तो इतना तो दिख रहा है कैश में परचेज किया जा रहा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस ट्रांजेक्शन में कैश मेंशन होगा, कहने का मतलब है कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, एक तो हमारा गुड्स अकाउंट जिसको हम परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, और एक कैश अकाउंट, सोहन अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी कैश ट्रांजेक्शन रहे तो कैश लिखाएगा, वहाँ पे नाम नहीं लिखाएगा, लेकिन जब कैश मेंशन ना हो मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है
और जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो नाम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स परचेज किया जा रहा है तो गुड्स बिजनेस में कमसिन होगा। रियल अकाउंट का रूल कहता है जब कमसिन हो तो उसको डेबिट करते हैं, तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ है 8000 से। और बिजनेस जब गुड्स परचेज करेगा कैश में तो कैश एक रियल अकाउंट की तरह काम करता है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जब गोज़ आउट हो तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ पे इसीलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि बिजनेस गुड्स परचेज कर रहा है बदले में कैश पे करेगा, कैश पे करने पे बिजनेस से कैश गोज़ आउट होगा। इसलिए मॉडर्न रूल से समझेंगे तो गुड्स नाम का एसेट्स इंक्रीज़ कर रहा है इसलिए डेबिट हुआ है 8000 से, और गुड्स ख़रीदने पे पैसा पे करना पड़ेगा। पैसा मतलब कैश एक एसेट्स की तरह काम करता है, और जब एसेट्स पे करने पे डिक्रीज़ करता है इसलिए यहाँ पे कैश नाम से क्रेडिट हुआ है। तो एंट्री पास हुआ है परचेजेस अकाउंट डेबिट 8000 टू कैश अकाउंट 8000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम शोहन फॉर कैश। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो है मार्च 20, पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1000। रेंट पे किया गया ऑफिस के लिए 1000 का, तो इसमें दो अकाउंट अफेक्ट होगा। कैसे? तो बिजनेस है ठीक, वो रेंट पे कर रहा है, तो एक हो गया रेंट अकाउंट जिस पे अफेक्ट पड़ रहा है, और दूसरा हो गया रेंट पे करेगा तो कैश में पे करेगा, तो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हुआ है वो है कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट समझते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि रेंट जो है एक एक्सपेंसेस की तरह काम करता है, कहने का मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है और एक एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है इसलिए ये डेबिट हुआ है 1000 से, और कैश पे करने पे बिजनेस से कैश गोज़ आउट हो रहा है। मतलब रेंट पे करेंगे बिजनेस कैश में पे करेगा तो कैश बिजनेस से गोज़ आउट होगा तो क्रेडिट हुआ है। आई होप क्लियर होगा। इसको मॉडर्न रूल से समझेंगे तो रेंट जो है हमारा एसेट्स तो है नहीं, लायबिलिटीज़ भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, इनकम भी नहीं है, एक्सपेंसेस है मैंने आपको अभी बताया, तो रेंट एक्सपेंसेस की तरह काम कर रहा है। और मॉडर्न रूल कहता है कि जब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो तो उसको डेबिट किया जाता है, और कैश नाम का एसेट्स यहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ है 1000 से। नारेशन लिखा गया है बीइंग ऑफिस रेंट पेड, ठीक है। फिर अब आगे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन घीच देंगे ठीक, हमारा प्रोफॉर्मा जो है बंद कर देंगे, फिर टोटल कर देंगे। टोटल पहले का आया था 1,31,000 डेबिट, 1,31,000 क्रेडिट, प्लस कर देंगे 8,000 प्लस 1,000 डेट इज़ इक्वल टू 1,40,000 डेबिट, 1,40,000 क्रेडिट। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।